प्रारंभ हो जाएगा। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना, जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको एक महीना भले दो हुए हो, तीन हुए हो, चार हुए हो, रोक दो, फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र दो कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा, दो पात्र कर लो। भले दो हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने माँ पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था, तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो पर शादी रहती है तो कितने बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे शादी। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात होगी कब सवेरे होगी। लोग ढोलक पीते 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 11-12 एक और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाए, तो माता इतनी चतुर, उन्हें का बरसती हो रही है जल की, भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर, राम जी गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है। दिल लेकर आए हो, कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है जो हम जहां भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहां कथा करते हैं वहां रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले, एक नियम बना रखा, भले वो लाख लोग हों, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे, पर दुख मत करना। दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगा कर भेजता है कि वापिस बुला जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब आप लोगों में कोई कमी नहीं है, किसी की यहां जमीन है तो किसी की गाड़ी है तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं, पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रस स्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग लोट।
उसकी कृपा ही बरसती है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बाबा की कृपा होती है तो आना होता है। कोई नेपाल से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई चेन्नई से, ना जाने कहां कहां से पधारे, कोलकाता से। शिव कृपा है।